अब एक क्लाइंट है हमारे जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं और उनका पूछना है कि क्या क्या लाइसेंस लगेगा नहीं लगेगा। तो देखिए सिगरेट इंडस्ट्री एक इस तरीके का इंडस्ट्री है जो आपको पहले थोड़ा सोच समझ के आना चाहिए। नए नए लोग पता चला कि थोड़ा सा मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लेके भी इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे काम कर लेंगे। सबसे बड़ा बात है कि इसका जो भी नियम कानून है रूल रेगुलेशन है कंप्लाइंसेस है ये गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा काम जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा हो तो वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ITC जैसी बड़ी कंपनी वो अपने आप को ढाल सकती है, वो मार्केट में है, उसके पास फंड है, पैसा है, अनलिमिटेड चीज़ है उसके पास, सोर्सिंग है, वो अपने आप को संभाल लेगी। मगर आप छोटे इंडस्ट्री में अगर चाहें तो आपके लिए संभालना ये मार्केट बड़ा ही मुश्किल कर देगा आपको। तो कभी भी आप सिगरेट की इंडस्ट्री में आना चाहें तो कम से कम आपके पास 10 से 12 करोड़ का बजट अगर हो तो ही आएँ। 2 लाख 5 लाख 20 लाख 10 लाख ऐसे लोग आएंगे उनका वो पूंजी भी जीरो हो जाएगा। कारण क्या है, इसका फैक्ट्री बनाने में आपको खर्चा आएगा, इसमें आपको फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, आपको ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया में लेना पड़ेगा, लीज में लीजिए या अपना खरीदिए, उसके बाद से फिर आपको एक्साइज का लाइसेंस लेना पड़ेगा, फैक्ट्री बनवाना पड़ेगा, फायर का लाइसेंस, पॉल्यूशन का लाइसेंस, उसके बाद फिर सेटअप का लाइसेंस, उसके बाद टबैको बोर्ड का लाइसेंस, फुल लाइसेंस मिलाने में ही 15-20 लाइसेंस लगेगा और 1.5 साल आपका समय लग जाएगा। तो 1.5 साल आपका पैसा का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जगह फैक्ट्री ये सब का इन्वेस्टमेंट, आपको फैक्ट्री सेटअप ये सब करने में ही कम से कम मिनिमम आपको 1 crore के आसपास 1 crore के आसपास चाहिए, छोटा से छोटा कीजिएगा तब भी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा, एक्साइज लाइसेंस देगा कि नहीं देगा ये उसके ऊपर है कि वो सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है आपके काम से। उसके बाद फिर आपको फिर आइए रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए आपको गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश से यहाँ से आपको रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको लैब बैठाना पड़ेगा हमेशा चेकिंग के लिए। फिर उसके बाद उसका ट्यूब जो आता है, ट्यूब के लिए अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसका अलग रेट है, या ट्यूब का अगर अपना सेटअप बैठाते हैं तो उसके लिए अलग मशीन्स वगैरह आता है। उसके बाद ट्यूब फिलिंग का बात होता है, उसके बाद फिर उसका जो डब्बा पैकिंग है वो बात होता है, फिर उसके बाद उस पर जो टैक्स है वो बात होता है, 25% 28% के आसपास GST है जो हमेशा मार्केट में उसको घेर के रखता है। उसके बाद फिर कंपटीशन में आइए तो ITC जो है उसमें बैठा हुआ है। तो इतना सारा चीज़ आपको देख के फिर आपको सिगरेट इंडस्ट्री में आना है मैन्युफैक्चरिंग में। अब हमारे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं ये 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी बहुत कम है, 10-15 लाख वाले ज़्यादा हैं जो सिगरेट की चीज़ को देख के आ जाते हैं कि हम अपना सिगरेट का बिजनेस करेंगे। तो आप लोग मत आइए दोस्तों सिगरेट की इंडस्ट्री में, अगर आपके पास पूंजी नहीं है, फाइनेंसर नहीं है, फैक्ट्री खोलने का सेटअप नहीं है, तो अगर आप 8-10 लाख 20 लाख लेके आएंगे वो पैसा भी आपका मार्केट में हजम हो जाएगा और आप खोल भी नहीं पाएंगे, चला भी नहीं पाएंगे। ये तो खोलने की बात थी, कम से कम आपको मान लीजिए खोलने के लिए इतना चाहिए, उसके बाद 3 महीने का कैपिटल चाहिए, मार्केट में सेल्समैन चाहिए, टिके रहने के लिए काम चाहिए, ये सारा कुछ काम करना पड़ता है, फिर जाकर सिगरेट इंडस्ट्री में बात बनती है। तो आप जो सोच रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख में कि कहीं से ट्यूब खरीद लेंगे, कहीं से मसाला खरीद लेंगे, और पता चला कि 50,000-60,000 का यूट्यूब में दिखाता है छोटा छोटा मशीन, आप पैकिंग मशीन खरीद लेंगे और फिर उसमें घर में बना के आप सिगरेट आराम से डब्बा में पैक करके मार्केट में बेचेंगे और गवर्नमेंट बैठी रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। बड़ी कंपनियां आपके पीछे लग जाएंगी, आपका इन्फॉर्मेशन दे देंगी, आपका धंधा पानी घर तक भी सील करवा देंगी, ये चीज़ होता है। तो आपको करना है पहले ट्रेडर बनिए, पहले ट्रेडर बन के थोड़ा मार्केट में माल बेच लीजिए, जो कंपनियाँ पहले से लाइसेंस होल्डर हैं काम कर रही हैं उनके साथ मिलके काम कीजिए, पहले देखिए मार्केट को समझिए, बिजनेस को समझिए, प्रॉफिट कितना होता है, पे आउट उसको समझिए, उसके बाद फिर इंडस्ट्री में आइए। 1 करोड़ 4 से लेके 5 करोड़ तक तो जो इसके स्टॉकिस्ट होते हैं उनको चाहिए होता है, जो भी ITC का स्टॉक करता है या स्टॉकिस्ट बनता है या पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का स्टॉकिस्ट बनता है उसके पास कम से कम 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का बजट होना चाहिए, तो फिर स्टॉकिस्ट बनता है। और आप फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री खोलने के लिए कम से कम इसका डबल पैसा होना चाहिए, उसके बाद रिस्क लेने का एबिलिटी होना चाहिए कि अगर माल बनाऊं बिजनेस ना चले तो फिर आप क्या कीजिएगा, ये चीज़ होता है। गवर्नमेंट आपको लोन देगी, मगर लोन कब देगी, जब आप 30% इन्वेस्टमेंट अपना कीजिएगा, मशीनरीज वगैरह दीवार वगैरह बना लीजिए, बाउंड्री बना लीजिए, फिर 30% पे गवर्नमेंट आपको उसके बाद आप पे सपोर्ट करेगी। मगर जो पैसा आप लीजिएगा उस पे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, और इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको कंपनी में प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, पैसा आएगा तभी तो मान लीजिए आप किसी को दे दीजिएगा ना। तो अगर आपको सिगरेट का काम करना है, धंधा करना है, तो ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए। पूंजी है तो फिर आइए, मोस्ट वेलकम है, बहुत अच्छा धंधा है, आपको आराम से मान लीजिए बनाने में 3 से 4 रुपये का खर्चा आता है और 10 से 11 रुपये में बिकता है, इसके बीच में डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवर्टाइजमेंट है, वो सब आपका खर्चा वो अलग है, इसमें माइनस होगा।
तो इतना मार्जिन है, मगर किसके लिए है? पूंजी। कुछ काम ऐसा होता है जो कैपिटल इंसेंटिव होता है, पेट्रोलियम का फैक्ट्री लगाना, काम करना, उसके बाद से फिर मान लीजिए आपका सिगरेट का काम करना, बियर फैक्ट्री खोलना, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको मार्केट में बहुत ये देंगी। आपको पैसा नहीं हो तो ये काम नहीं कर पाइएगा, पैसा आपको चाहिए होगा तभी आप इस फील्ड में उतर के अपना बिजनेस जो है सेटअप कर पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियोस है आपको अच्छा लगेगा, जो सिगरेट के ऊपर हमने बताया, और इसी के तरीके से आप देखते रहिए। तो जो हमारे व्यूअर थे जिन्होंने पूछा था उनका जवाब मिल गया होगा दोस्तों, आपका भी कोई क्वेश्चन है पूछिए, उसका भी जवाब आपको मिलेगा।